हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज मैं वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे, जो आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए ताकि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो आप लोग से छूट ना सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, यहाँ नेशनल टीचर्स डे का बात हो रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ तो राष्ट्रीय नेशनल टीचर्स डे, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। नेक्स्ट, किस महापुरुष की जयंती पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर 1888। और कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। अब ये तो क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आप याद रखें तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट, इस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई गई? का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 132वीं। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले उपराष्ट्रपति थे। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1952 से 1962 तक रहा, 1952 से 1962 तक ये लगातार दो बार उपराष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? देखिए, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, पहले वाला क्वेश्चन में था कि उपराष्ट्रपति, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति। तो आप दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और दूसरे, इनका कार्यकाल कब था? तो ये 1962 से लेके 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित फेमस बुक का नाम? तो ये बुक है ऑप्शन नंबर ए, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, यहाँ पे कुछ बुक और है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। और एक ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी। और ये एक बुक है अंधेरे से उजाले की ओर, ये लिखा हुआ है अरुण जेटली के द्वारा। तो आप ये तीनों बुक भी याद रखें, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ब्रिटिश ऑर्डर रॉयल ऑफ मेरिट किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 में।
नेक्स्ट, इंटरनेशनल चैरिटी डे किस की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा। देखिए आप लोग, आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर के दिन नेशनल टीचर्स डे और इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाया जाता है। तो नेशनल टीचर्स डे तो मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, और ये मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी के रूप में, और ये मदर टेरेसा के डेथ एनिवर्सरी के रूप में। और मदर टेरेसा के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मदर टेरेसा मिशनरी, मिशनरी ऑफ चैरिटी, चैरिटी की फाउंडर थी। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। और मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज जो मिला था, नोबेल पीस प्राइज, ये मिला था 1979 में, और भारत रत्न मिला था 1980 में। ये दोनों भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1989, एक साल पहले मिला था नोबेल पीस प्राइज, और 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? ये अल्बानिया में हुआ था, या फिर कहीं कहीं मेसिडोनिया, नॉर्थ मेसिडोनिया भी लिखा हुआ रहता है। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन, यदि एग्जाम में आया दोनों में कोई एक ही आता है तो आप टिक कर सकते हैं। और कब हुआ था ये? 1910 ईस्वी में हुआ था। और मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता कब मिला? तो ये 1948 ईस्वी में नागरिकता 1948 में मिला, और 1910 में जन्म हुआ है। और एक चीज एग्जाम में और आया था, 1928 में मदर टेरेसा भारत आई थी। ये जितना भी डेट वाला क्वेश्चन है मदर टेरेसा से, ये आप याद रखिए। देखिए फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, 1979 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज, 1980 में भारत रत्न मिला, 1910 में जन्म हुआ था अल्बानिया में या फिर नॉर्थ मेसिडोनिया, और उसके बाद 1928 में भारत आई, और 1948 में उनको भारत की नागरिकता मिल गया। और एक चीज आप, 1950 में ये जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है, 1950 में इसका स्थापना हुआ, 1950 में। तो ये सारा मदर टेरेसा से रिलेटेड है जो आप लोग एकदम याद रखिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।